Hey guys, welcome back to my channel. आज हम सुबह सुबह कहीं जा रहे हैं और वो कहीं एयरपोर्ट है. तो अब आप बताओ हम कहाँ जा रहे हैं. अब आपको धीरे धीरे मैं आपको पूरा रास्ता दिखाता हूँ, एयरपोर्ट दिखाता हूँ और आपको फिर पता चल जाएगा इस ब्लॉग के अंदर आगे जाके कि हम किधर पहुँचे, हमारे अगले दो दिन के क्या प्लान्स हैं. तो ये वाले ब्लॉग में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है और मेरे साथ मेरा दोस्त भी जा रहा है, उसका नाम साहिल है. तो अब हम दोनों के दोनों उधर जा रहे हैं और हमारे कॉलेज के और भी लोग आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा फन होने वाला है. तो आप लोगों को ब्लॉग में बहुत ज़्यादा चीज़ें देखने को मिलेंगी और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा. तो गाइस हम मैड्रिड के बारजास एयरपोर्ट पे आ चुके हैं. हमारी अभी इबीरिया एयरलाइन से फ़्लाइट है. अंदर जाके आपको बताता हूँ एयरपोर्ट कैसा है, आपको कैसे आगे जाना है, इमिग्रेशन कैसे होती है. और अच्छा, मेरे मुंह से इमिग्रेशन तो निकल ही गया. तो आपको पता है कि मैं स्पेन में नहीं जा रहा, मैं बट कहीं और जा रहा हूँ. बट आपको पता चलेगा कि हम किधर जा रहे हैं, वो पहाड़ों में है या हम बीच पे जा रहे हैं, ये आप गेस करके बताओ. गाइस अब हम एक पॉल करके एक रेस्टोरेंट है, आई गेस यूके की चेन है. तो यहाँ पे सैंडविच खाने आया, मैंने सुबह से ब्रेकफास्ट नहीं करा था, बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी. तो अभी सैंडविच खाने आए हुए, आपको सैंडविच में क्या ही दिखाऊं. तो आप तो मेरे को खाते हुए देखो. ये भगवान क्या जुल्म है. तो गाइस अब ड्यूटी फ्री खुल गई है, तो अब हम देखते हैं हमें क्या लेना है इधर से. अपेरेंटली इधर सब कुछ बंद रहता है यार, मतलब 7-8 बजे तक बंद रहता है सब कुछ. सो लेट्स सी. चलो गाइस अब हम ड्यूटी फ्री के अंदर आ गए हैं. अब हम देखते हैं हमें क्या लेना है, लेट्स सी. काफ़ी कुछ है और अच्छा लग रहा है आज. मतलब मैं जब इंडिया गया था अप्रैल में तब काफ़ी कुछ बंद था, बट आज बहुत सारी चीज़ें खुली हुई हैं. सो लेट्स सी. मैं आपको उसका आगे व्यू देता हूँ. यहाँ पे सारे परफ्यूम्स हैं और सो यही हमारी जगह है, इसी के लिए हमेशा एक्साइटेड रहते हैं हम ड्यूटी फ्री में आने के लिए. सो लेट्स सी. मैं लगता है आपको रेट से खा देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वाइन बहुत चीप होती है, राधे देना आपकी और विस्की या बियर मतलब कुछ और लो वाइन लेना, मतलब आपको 1-2 यूरो में आपका काम हो जाता है और इट्स रियली गुड. फॉर एग्जाम्पल अब आपको यहाँ पे हम जैसे आए हैं, तो अब आप ये जॉनी वॉकर की ब्लैक लेबल देखो 39.15 की है, तो मतलब अराउंड 3,200 रुपये में आपको ये 1 लीटर की मिलेगी. तो एक्सपेंसिव है इंडिया में, मतलब अराउंड 2400 रुपये में आ जाती है. तो यहाँ पे काफ़ी एक्सपेंसिव लगी मुझे ये. एबरफेल्टी भी इंडिया में अराउंड 3,500 की है, यहाँ पे 4,800 की है, बट सही है, कुछ ना कुछ तो लेंगे. तो अब मैं यहाँ पे बैठा हूँ, अपने कलीग से वेट कर रहा हूँ. यहाँ पे वो लोग भी आने वाले हैं, वो भी सिक्योरिटी चेक पे ही हैं. मेरे साथ काफ़ी सारे लोग मेरे कॉलेज के जा रहे हैं, तो हम कोपेनहेगन जा रहे हैं. मैंने आपको बता ही देता हूँ क्या फ़ायदा इतनी देर तक छुपाने का. तो आपको मैं भी बता रहा हूँ, मैं कोपेनहेगन जा रहा हूँ, डेनमार्क विच इज़ इन द नॉर्थ ऑफ यूरोप. तो उधर हमने एक क्रेजी प्रॉपर्टी ली हुई है, उसका आपको शायद से इस व्लॉग में देखे. नहीं नहीं, इस व्लॉग में नहीं, आपको थोड़ा सा सस्पेंस रखना चाहिए ना. आपको नेक्स्ट व्लॉग में उसका हम प्रॉपर्टी टूर देंगे, बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है, तो वो भी आपको दिखेगी. आपको मैं बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बता दूँ. मैं अभी सिक्योरिटी चेक कर रहा था, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ है, मेरा लिटरली पूरा बैग का ड्रग टेस्ट करा है इन्होंने. मेरा वो लिटमस पेपर टेस्ट होता है, उन्होंने पूरे बैग पे लगाया मेरे, क्योंकि उसमें सैनिटाइजर की पूरी 200 ml वाली बॉटल थी. मैंने बताया कि आप बेवकूफ हो, मैं लेके आ गया इधर. उन्होंने लिटरली पूरा लिटमस पेपर टेस्ट करा. मैंने लगा यार ये क्या कर रहे हो, मतलब आई वुड बी द लास्ट पर्सन जिसके पास आपको ये सारी चीज़ें मिले. तो उन्होंने मेरा पूरा लिटमस पेपर टेस्ट करा, उसमें 10-15 मिनट लग गए, पर काफ़ी मज़ा आया. मतलब चलो एक नया एक्सपीरियंस था, कुछ देखने को मिला है. पहली बार मैंने आज तक सिर्फ नेटफ्लिक्स और उन सब व्लॉग में देखा है कि कैसे टेस्ट होता है, क्या होता है, बट पहली बार रियल लाइफ में देखा. उन्होंने पूरा लिटमस पेपर को सारी जगह लगाया, बैग में अंदर बाहर चीज़ों पर, उसका एक मशीन के थ्रू गो थ्रू करा उसको, और फिर लाइक गुड टू गो. तो मज़ा आया. अच्छा तब तक मेरा ये डेनमार्क का कोविड रिक्वायरमेंट्स और कोविड टेस्ट की वीडियो देख के आओ. हे गाइस, मैं
अपना कोविड टेस्ट कराने आया हूँ यहाँ पे अपने कॉलेज के अंदर। तो अपेरेंटली डेनमार्क जाने के लिए दो टाइप ऑफ कोविड टेस्ट रिक्वायर्ड होते हैं, मतलब कर सकते हो आप यूज़ उन दोनों में से एक भी। एक है RT-PCR टेस्ट जिसका 72 आवर्स की वैलिडिटी होती है, 72 आवर्स पहले कराना होता है, और दूसरा होता है एंटीजन टेस्ट। एंटीजन टेस्ट आप 48 आवर्स पहले करवा सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको यू रेजिडेंट होना पड़ेगा या यू सिटीजन। अगर आप उन दोनों में से नहीं हो तो आपको RT-PCR टेस्ट ही रिक्वायर्ड होगा। मैं अपने कॉलेज आया हूँ अपना टेस्ट करवाने, क्योंकि यहाँ पे फ्री में हो रहा है, तो लेट्स सी कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस। तो गाइस मैं अपने बोर्डिंग गेट पे आ गया हूँ। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे स्पेन में क्या होता है। यहाँ पे बड़े बड़े ये अगर आपको दिखा हो यहाँ पे लेग्स टंगे हुए हैं, मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखाता हूँ। ये टांगे मुझे पहले लग रही थी बीफ टांग होती हैं, बट बीफ नहीं होता, ये एज पोक है। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इसको माना जाता है, बहुत ज़्यादा इसको माना जाता है, मतलब बहुत डेलिकेसी होती है इसे खाना। तो काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, अगर आप कभी खाना चाहो। हाँ जी, तो मैं बोर्डिंग कर गया था अपनी फ्लाइट के अंदर उस टाइम पे, और फ्लाइट जैसे बोर्डिंग करा मैं वैसे ही सो गया। टेक ऑफ होने के बाद बहुत तगड़ी नींद आ गई, मतलब मेरे सारे जितने फ्रेंड्स आए हैं सब लोग सो ही हैं, पूरी फ्लाइट सो गई। अभी एक घंटा और बचा है पहुँचने के लिए। मैंने आपको इस फ्लाइट के बारे में बताया नहीं, ये फ्लाइट इंडिया एक्सप्रेस कैरियर है जो हमें लेके जा रहा है कोपेनहेगन। इंडिया एक्सप्रेस जो है वो एकदम एयर इंडिया एक्सप्रेस जैसा है, मतलब लो कॉस्ट एयरलाइन है। तो यूपी में लो कॉस्ट एयरलाइन ये आपसे लगेज का भी चार्ज करते हैं। अगर आप 15 kg का बैग है तो ये आपसे अराउंड 26 euro लेंगे वन वे, और 26 euro आना जाना। तो मेरे हिसाब से उसको लेने का कोई फायदा नहीं ट्रैवल लाइन। और अगर आपको मतलब जैसे अपग्रेड करना बिजनेस क्लास के अंदर, जो मतलब एग्जैक्टली सेम ऐसी सीट्स है, बस इसको ब्लैक कर दिया है, प्रायोरिटी बोर्डन आपको मिलती है और कोई डिफरेंस नहीं है। उसके 40 euro वन वे टिकट की एक्स्ट्रा कॉस्ट है, मतलब वो तो मुझे एकदम ही मतलब फ़ायदा नहीं लगा करने का। बट मेरे फ्रेंड उसने लिया है, तो मतलब उसके उससे मैं पूछूंगा कैसा रहा उसका। बट मैंने जहाँ पे जब मैं दूसरा था फ्लाइट लेना, मैंने देखा था लेग स्पेस एकदम सेम थी। बात करूँ लेग स्पेस की, तो नॉर्मल जैसे हमारी इंडिया में इंडिगो एयरलाइंस चलती है उसके अंदर जितनी लेग स्पेस होती है उतनी ही लेग स्पेस है, बस इसके इस सीट्स के अंदर रिक्लाइनर नहीं है। तो अगर आपकी 3-4 घंटे की फ्लाइट है तो आपको रिक्लाइनर ना करने में आप थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो लेग स्पेस अगर आपको दिखा देता हूँ, इतनी लेग स्पेस है ऐसे करके बैठता हूँ, तो ठीक है, मतलब सही है। तो हम लैंड कर गए हैं फाइनली कोपेनहेगन एयरपोर्ट पे। उधर बहुत भीड़ थी, उधर लेजिट कुछ ज़्यादा ही लोग थे और कुछ ज़्यादा ही भीड़ थी। अभी सारे मेरे दोस्त आगे जा रहे हैं, बहुत ठंड भी बहुत हो रही है, और लेकिन अच्छा है यार, लैंडिंग बहुत सही थी जो मुझे लगी। थक गया यार, हमने मतलब 2 घंटे मैं सोया, और आई बिलीव हुसैन यू स्लेप्ट फॉर 3 आवर्स राइट? Yeah, the 3 hours the flight was, and he slept for literally 3 hours. Yeah, oh, that's good. So, अब हम देखते हैं, हम यहाँ से अपना इमिग्रेशन करते हैं ख़त्म। हमें अपना कोविड रिजल्ट देना है, Airbnb का वो सब दिखाना है, तो वो सब दिखाएंगे। अब बाहर निकलते हैं, मुझे अपना बैगेज भी लेना है, तो वो मैं अपना आप लूँगा। So guys, ये है आपका कोपेनहेगन एयरपोर्ट। ये मुझे इनकी वॉलेट मुझे बहुत अच्छी लगी। अभी सबके सब वॉशरूम और फ्रेशन अप हो रहे हैं फॉर द इमिग्रेशन, बिकॉज इस पर टाइम लगेगा इधर हमें बोला गया है। बट आई डोंट नो, मैं आपको बताऊंगा कैसा होता है। ऊपर लॉन्जेस हैं, लॉन्च का मेरे पास एक्सेस तो नहीं है, बट काफ़ी अच्छा एयरपोर्ट है। डेनमार्क के अंदर क्राफ्ट बियर बहुत फेमस है, तो उधर क्राफ्ट बियर्स उधर अवेलेबल थी, और उधर ड्यूटी फ्री एक्सेस भी मिला। तो गए जब हम आ गए हैं टर्मिनल के बाहर, टर्मिनल के बाहर बहुत अच्छा था, अंदर पूरा हमारा इमिग्रेशन हो गया। उन्होंने कुछ कोविड टेस्ट कुछ भी हमसे कुछ नहीं पूछा उछा, बस सीधा हम बाहर आए हैं। तो लिटरली आपके लिए बहुत इजी है इधर आना और बाहर निकलना, तो आई डोंट थिंक कोई ऐसी प्रॉब्लम हुई। ये टर्मिनल है बाहर से, अब हम अपनी
कैब की वेट कर रहे हैं। एक चीज़ है, यहाँ पे डैनिश क्रोनर्स चलते हैं, तो डैनिश क्रोनर्स इधर चलते हैं, तो डैनिश क्रोनर्स का जो एक्सचेंज रेट है दैट्स वेरी डिफरेंट। मतलब यहाँ पे मतलब मैंने अगर डैनिश क्रोनर विड्रॉ करे तो 1 पॉइंट मतलब अगर 53 यूरोस बैठता है एक डैनिश क्रोनर एक्सचेंज रेट में, 59 यूरोस चार्ज कर रहे थे विड्रॉ करने के। तो एक ये प्रॉब्लम है, तो आप अपने साथ डैनिश क्रोनर्स लेके आना, नहीं तो अपना कार्ड से हर जगह पेमेंट करो। मैंने थोड़ा सा कैश रख लिया है क्योंकि ज़रूरी होता है। और ये रहा साहिल, साहिल इधर आओ, ये तुम्हारे बैग में क्या है, इधर दिखाओ, गायब क्यों हो रहे हो, दिखाओ दिखाओ क्या है इसके अंदर, ऐसा तुमने छुपा के ऐसा क्या रखा है, ये दवाई है। सो गाइस, अब हम अपने जा रहे हैं अपार्टमेंट की तरफ। हमारे को सबसे मेन प्रॉब्लम होगी अब की ढूंढने का, उसका एक अलग ही प्रोसेस उसने हमें ओनर ने दिया है निकालने के लिए, की पूरा अंदर से निकालने के लिए। और मैं, ये लोग हंस रहे हैं मेरे पे कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, बट ठीक है कोई सीन नहीं है, समथिंग लाइक एवरीबॉडी इज लाफिंग बट इट्स कूल, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती मेरे को, मेरा थोड़ा एडजस्ट हो चुका हूँ इस सब चीज़ के लिए। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अपेरेंटली आप एयरबीएनबी ना थोड़ा ध्यान से बुक करके आना, मतलब अपने ओनर से बात बात प्रॉपर्ली करके आना। मैंने कुछ सिविया में प्रॉब्लम हुई थी, मैं सिविया में जो मेरे को एयरबीएनबी था मैंने ओनर से बात करी, वो सेम नहीं था, और उसके बाद मैं उसमें नहीं जा पाया तो मेरे एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो गए। मैंने जो अपना एयरबीएनबी ये वाला बुक करा है, ये मेरे को रफली अराउंड 90 यूरोस पर पर्सन पड़ा हमें, तो 90 यूरोस दो रात का पड़ा। लेकिन आपको अभी बता रहा हूँ, कैब यहाँ पे बिल्कुल मत लेना, स्पेशली टैक्सी बहुत महंगी टैक्सी, आप पैदल चल लो, आप इधर अपना नॉर्मल ट्रेन से चल लो, कुछ भी कर लो ज़्यादा बेटर है, बट आई वुड रिक्वेस्ट कि आप टैक्सी मत लो। एक और प्रॉब्लम थी, हमें ऊबर नहीं मिल रही थी एयरपोर्ट से, तो हमने इस वजह से टैक्सी करी कि हम 6 लोग थे, तो हमको रफली अराउंड 6.5 यूरो या 7 यूरो पड़ी पर पर्सन टैक्सी। सो गाइस, अब हम अपने एयरबीएनबी पहुंच गए हैं, ये रहा हमारा एयरबीएनबी। नीचे आप जैसे देख सकते हैं इतने सारे कॉफ़ी शॉप्स हैं, बहुत अच्छा है यहाँ पे, एकदम डाउनटाउन में, पीछे ही एक म्यूज़ियम है। तो अब हम अपना एयरबीएनबी का निकालने का कर रहे हैं, चाबी, ये चाबी निकल गई, नाउ वी गुड टू गो। मैं आपको एयरबीएनबी का टूर कल दूंगा, बट अभी बार बार सा देख लो क्या होता है, कल क्या मतलब इसी अगले वीडियो में आपको दूंगा। तो गाइस, अब हमने एयरबीएनबी पहुंच गए हैं, अब इससे हुआ हमारा ये पहला डेनमार्क का व्लॉग एंड, पर अभी मस्ती बहुत आगे बहुत ज़्यादा है, और मैं आपको अभी हाउस टूर नहीं दे रहा, अब इसके बाद मैं आपको हाउस टूर दूंगा, बहुत मज़ा आने वाला है हमें इस टूर के अंदर। थोड़ी सी आपको इस व्लॉग में झलक दे देता हूँ, बट ये मेरा रूम है, काफ़ी मज़ा आने वाला है अब इधर आपसे, अब नेक्स्ट व्लॉग में अब आपसे मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और साइड में जो घंटी वाला बटन है उसको प्लीज़ दबा दीजिएगा। आपने जो फर्स्ट वीडियो पे मुझे जो रिस्पॉन्स दिया उसके लिए आई एम रियली ग्रेटफुल। आपके जो भी मुझे फीडबैक्स जितने अपने दोस्तों से मिले, बाकी सबसे मिले, मुझे वो भी काफ़ी अच्छे लगे, मतलब उससे मैं अपना इम्प्रूव कर रहा हूँ, धीरे धीरे इम्प्रूव होंगे मेरे व्लॉग्स। चलो फिर आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में मिलता हूँ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू।